Hey, what's up people? I hope you all are doing absolutely fine. So today is 1st June और महीने के पहले दिन हम जा रहे हैं आज एयरपोर्ट रोड. सो भोपाल एयरपोर्ट इज़ समवॉट 18 किलोमीटर्स फार फ्रॉम माई प्लेस और हम लोग यहाँ से निकलेंगे जब मनीष भैया घर आ जाएंगे तब. तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम कि वो कब आए फिर हम लोग निकलें. मैंने साइकिल निकाल के रखी है. होपफुली आई होप वो जल्दी आ जाए फिर हम स्टार्ट करते हैं. लेट लतीब इंसान आ गए. ये है वो लेट लतीब इंसान. इस महान का कुछ नहीं कर सकते. आज इनने पूरा 15 मिनट लेट किया तो अब बस आ गए हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं हेडिंग टूवर्ड्स एयरपोर्ट रोड. ओके सो वी आर गोइंग थ्रू अयोध्या बाईपास. सो दिस इज़ दी पेट्रोल पंप वाला रूट. ये रहा इंडियन ऑयल वाला पेट्रोल पंप. सो फ्रॉम हेयर वी नीड टू गो स्ट्रेट. यहाँ से कोई मतलब ऐसा रोड नहीं है कि कहीं मुड़ना हो. सीधा सीधा रास्ता है यहाँ से. सो चलिए चलते हैं. भाई साहब ये पीपल्स मॉल के पास आने वाला जो ब्रिज है उससे ऊपर चढ़ान में तो वाट लग जाती है. ओके सो वी हैव रीच्ड नियर बाय द एरिया ऑफ पीपल्स मॉल और दिस इज़ द बोट. सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स राजा भोज एयरपोर्ट. ओके सो फॉर दोज हु आर नॉट मेकिंग दिस एरिया आउट तो दिस इज़ द रूट राजा भोज एयरपोर्ट. और हम लोग इस रास्ते से गए थे इस्लाम नगर. वी टर्नड राइट फॉर दैट. हम यहाँ से गए थे इस्लाम नगर बट अभी हम स्ट्रेट जा रहे हैं. सो दिस इज़ द मंदिर राइट साइड इस्लाम नगर फोर्ट स्ट्रेट एयरपोर्ट रूट. सो वी आर हेडिंग स्ट्रेट. ओके सो आगे चलते हैं. एंड इफ़ यू गाइस डोंट नो इस्लाम नगर फोर्ट का रास्ता आई हैव मेड अ व्लॉग फॉर दैट ऑल्सो. यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन और वहाँ से आप देख सकते हैं. ओके सो दिस इज़ द सेंट्रल जेल ऑफ भोपाल. यहाँ पर सब वॉल आर्ट करके रखा है इन लोगों ने एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल जब इसको देखते हैं. तो ये है सेंट्रल जेल ऑफ भोपाल. आगे एक माइन आएगी वहाँ पर वर्कर्स मतलब जो कैदी हैं जेल में उनको हथौड़े से पत्थर तोड़ने पड़ते हैं. यहाँ पर ये पूरा जेल ही है. लाइक इट्स अ वेरी बिग जेल. भाई साहब हम पहुँच गए हैं ब्रिज के पास और प्राण निकल गए हैं हमारे. अब 2 मिनट रुकेंगे पहले पानी पिएंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वरना हमारा तो सारा दम निकल जाना है. अल्लाह जाने घर पहुंच पाएंगे कि नहीं तो हम यहीं रुकेंगे. चेतावनी सुन लो और आगे बढ़ो. हम ब्रिज को क्रॉस करके वहाँ पर जो ब्रिज था हम उस ब्रिज को क्रॉस करके आ गए. यहाँ पर हमें अब एयरपोर्ट की फेंस दिख रही है टन टन बट हमें एयरपोर्ट के मेन गेट के पास जाना है. सो हम यहाँ से और सीधा जाएंगे. हम काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं इसलिए हम पैदल चल रहे हैं. अब थोड़ा टाइम लगेगा. ओके सो अब हमें एयरपोर्ट के लिए मुड़ना है लेफ्ट आगे से. तो ये रहा आपका बोर्ड और ये रहा ब्रिज. आपको इस ब्रिज के ऊपर नहीं आना है. आपको इस वाले नीचे लेन के ऊपर रह करके स्ट्रेट जाने का है. भाई साहब दिस रोड इज टू सेक्सी. वेलकम टू द राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट.
राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। कृपया अपनी अपनी सीट की सीट बेल्ट बांध लीजिए। सीट बेल्ट बांध लीजिए। ओके सो भाई साहब अति सुंदर अति सुंदर। अब हम आगे तो जा रहे हैं, देखते हैं हमें आगे अंदर जाने दिया जाता है कि नहीं। अगर नहीं दिया जाता तो हम उसको नम्र निवेदन करके बोलेंगे बाय बाय और हम वापस घर के लिए निकल जाएंगे। सो भाई साहब दिस इज द इंटरनेशनल राजा भोज एयरपोर्ट। अति सुंदर अति सुंदर, कितना सुंदर बनाया है। तो यहाँ पर अंकल लोग वॉक करने के लिए आते हैं, लड़का लोग साइकिल चलाने के लिए आते हैं, और ये सारे कैब वाले हैं आई गेस, जो भी कार वाले खड़े हैं। या फिर वो लोग भी हो सकते हैं जो कहीं जा रहे हों। माइट हैव केम टू द एयरपोर्ट। सो दिस इज द एयरपोर्ट, बड़ा होते जा रहा है। मैं मास्क पहन लेता हूँ वरना पता चला मुझे रोक लिया, साइकिल जब्त कर ली और खेल लगा दिए। सो वेलकम टू द राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये देखो मिशन अकम्प्लिश्ड ब्रो, आज हम जिंदा एयरपोर्ट तक पहुँच गए। चलो चलो अब हम बहुत डेयरिंग वाला काम करने वाले हैं, बिना मास्क के साइकिल चला के जाने वाले। जा भाई जा। रुमाल रुमाल है कि नहीं है, ऐसा दे दो यार। भाई साहब ऊपर तो जा नहीं सकते, जा सकते हैं क्या? रिकॉर्ड पॉज। दुर्घटना ये हुई है, मास्क हमारा छोटा पड़ गया और हम आगे नहीं जा पाएंगे। हाँ बस मेरा ये तो लगा के बैठे हैं और हम आगे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इनकी फट रही है। मैं तो चले आऊँगा, मेरी नहीं फटती उठती। तो यहाँ से ये एयरपोर्ट का रास्ता है, ये सीधे जाएगा एयरपोर्ट तक। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग ऐसे एक यू टर्न मार के आए, बट आई गेस इट्स इम्पॉसिबल क्योंकि मास्क नहीं है। बट फिर भी हम एक ट्राई मारेंगे क्योंकि क्योंकि क्या बोलूँ, अब डरता तो वैसे ही नहीं हूँ। पहले फ़ोटो खींचेंगे यहाँ पर, मतलब आगे चल के खींच लेते हैं, ठीक है? चलो बाय बाय। ओके आगे बढ़ गए हैं हम लोग बिना मास्क के, मतलब मैंने मास्क नहीं पहना। यहीं से चलते हैं, ऊपर से जाएंगे तो शायद रिस्क बढ़ेगा। यहीं से चलते हैं, लोग बाग खड़े हैं ना, तो हम लोग यहाँ पर उस वाले टर्निंग पे अपन कुछ फ़ोटोज़ ले लेंगे। पुलिस खड़ी होगी, फट गई। सो दिस इज़ द एयरपोर्ट। बस अब यहाँ पर क्योंकि राजा भोज लिखा हुआ क्लियर दिख रहा है, हम लोग यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ लेंगे फिर आगे जाएंगे। तो वो नीचे, इसके नीचे जो एरिया है वहाँ पर पार्किंग होती है, और वंस यू आर अराइविंग आप इस वाले रूट से सीधा जा सकते हैं वहाँ पर। उधर पे चेक इन है और एक उधर पे चेक इन है। सो दो एंट्रेंस है यहाँ पर और एग्जिट भी है। बस यार बंद तो करो, पूरा क्रॉप मुझे नहीं आता बंद करना भाई। ओके हमने कर ली डेयरिंग, हम आ गए ऊपर बिना मास्क पहने। ढेर सारी पुलिस खड़ी है भाई साहब। अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे। सो दिस इज द एयरपोर्ट।
रास्ता भोज एयरपोर्ट। तो बहुत डेयरिंग कर ली बाबा, बहुत सारी पुलिस खड़ी थी, इनफैक्ट आर्मी वाले भी थे। ये देखो ये पगला है। तो चलिए अब हम अगले ब्लॉग में मिलेंगे फाइनली। देखो काफ़ी मेहनत लगती है अयोध्या बाईपास से यहाँ तक आने में, भी थक गए थे बहुत। रिकॉर्ड पॉज। ये भी थक गए हैं, मतलब सबसे ज़्यादा तो मैं थका हूँ। सो वी टुडे वी केम टू राजा भोज एयरपोर्ट और यहाँ के काफ़ी मज़ा आया, और अब हम जा रहे हैं घर। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग, और नेक्स्ट लोकेशन पे देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।